गई तो मैं दीदी को ये बोलूंगा कि पूरे एक दिन मुझे वीडियो बनाने को ना बोले। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एक तो इस बारिश से। अभी मैं आधा ही खिलता घास का ले जा रही हूँ क्योंकि बारिश लग पड़ी। घर में लकड़ियाँ हैं वो उठाने के लिए है, और डेली बादल फटने की न्यूज़ आ रही है, कहीं ना कहीं से बादल फट रहे हैं, डेली फट रहे हैं। बारिश रुकी नहीं रही जब से बारिश शुरू हुई है। बीच में एक या दो दिन पूरे दिन धूप हुई होगी, ऐसा नहीं हुआ कि बारिश हुई नहीं। तो ओहो, घास के लिए आई लड़कियाँ। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, और मैं आपको दिखा बताती हूँ अपनी प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम में आ रही है। मैं कोशिश कर रही थी कि यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पेज पे भी, मेरा फेसबुक पेज भी पल्लवी ठाकुर कुलवी गर्ल के नाम से है, ब्लॉग में वहाँ पर भी डालूँ। कल मैंने ट्राई किया था तो फिर वो गैलरी में शो हो रहा था, आज मैंने जब दोबारा से ट्राई किया तो गैलरी में बिल्कुल शो नहीं हो रहा है। और मैंने एक वीडियो बहुत मेहनत करके बनाई थी, मतलब मैंने खुद पहाड़ी में बोला, कुछ लंबा बोला, फिर उसके बाद उसको उसमें वीडियो एडिट की, सब कुछ, मतलब बहुत मेहनत लगी, पूरा दिन मेरा लग गया। जब पोस्ट करने के बारे ही तो वो रील में पोस्ट ही नहीं हो रहा, वहाँ 1.5 मिनट तक की वीडियो पोस्ट हो रही थी जबकि वो 2.5 मिनट की वीडियो है। तो सुबह से आज दिमाग थोड़ा ठीक नहीं था, और अभी भी बारिश शुरू हो गई, इस बारिश ने भी दिमाग ख़राब कर दिया है। ऐसी बारिश कि क्या अनर्थ करके जा रही है। हमारे घर के साइड में भी नाला है, न जाने कब किसकी टर्न आएगी, कोई नहीं बोल सकता। वीरी अच्छी है एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो आपको जो मेरे होठों पर लिपस्टिक दिख रही है, पार्स के काम है, मैं लेटी हुई थी, उसने मेरे होठों पर लिपस्टिक लगा दी, तो अब मुझे मिटाने के लिए उसके ऊपर एक और लिप बाम लगाना पड़ा। और दूसरी चीज़, सुबह से लाइट नहीं थी, मेरा फ़ोन बंद था, अभी 3 बजे जाके लाइट आई है, थोड़ा सा चार्जिंग की। और दिन भर मैंने क्या क्या काम किए, सुबह जब धूप बहुत तेज़ लगी थी तो मैंने दोनों गाय को नहा दिया, फिर उसके बाद फिर फ्री टाइम मिला तो मुझे एक मेहंदी की कीप दिखी। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि मैंने बहुत सालों के बाद मेहंदी लगाई है। अभी मैंने लास्ट आपको जितनी भी शादियाँ दिखाई है ब्लॉग में, उसमें मैं हमेशा दूसरों के मेहंदी लगाने होती हूँ, और अपनी मेहंदी लगाने के लिए कभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं गोले गोले लगा देती हूँ। तो मुझे मेहंदी दिख गई, लाइट भी नहीं थी, फ़ोन भी बंद था, तो सोचा मेहंदी लगा दूँ। पहले एक डिज़ाइन शुरू किया, फिर चलते चलते हाथ खाली लगने लगा, फिर पता नहीं क्या क्या बना दिया। मेहंदी की कभी भी थोड़ी सी बची है, तो मुझे लगा नहीं था कि मेहंदी लगेगी, क्योंकि ये बहुत पुरानी कीप थी, पता नहीं, मुझे लगा 1-2 साल पुरानी कीप थी, मुझे लगा लगेगी नहीं, तो मैंने इस साइड नहीं लगाई, मैंने यहीं पर लगाई। अगर नहीं भी लगेगी तो किसी को दिखेगी नहीं, ये तो लग रही है, कल सुबह तक पता लगेगा। और मुझे लगा कि मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ तो मेहंदी ही लगा देती हूँ, मैं नेल्स में भी मेहंदी लगा दी, पैरों के नेल्स में भी, हाथों के नेल्स में भी। तो बस अभी मैंने फ़ोन चार्ज किया है, अभी हम जाएंगे खेत, फिर आपको दोबारा से मैं खेत ले चलूँगी। और बारिश आने का हो गया है मौसम, बारिश आ सकती है। बहुत अच्छी नींद आई थी मुझे मेहंदी लगाने के बाद, सो गई थी मैं, और पार्थ और मम्मी जागे होते, इन दोनों की आवाज़ से बार बार नींद खुल रही थी। और उसके बाद जब लाइट आ गई तो फिर तो मेरी नींद पूरी तरह से ही खुल गई, तब मैं जाग गई। तो चलिए अब थोड़ा सा काम करते हैं, फिर चलते हैं खेत। छली से तो छोटा ही है, छली तेरे से भी लंबी है। इससे आने बड़े 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 खेलूं भी हो, छली से बड़ा मैं हूं। मैं देख देख मजा आ रहा है तेरे छली में है? मजा आ रहा छली में नहीं तो क्यों? आप एक बार आके से देखो, आपका देखने क्या हाल होता है। ओड़ा पता सुन गण के रही कौन। हाँ तो तोड़ना छली के अलावा जो घास, तोड़ उनको, काम कर, काम तब मिलती है रोटी, नहीं तो रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। मार भूल गया तू, लोका लोका संग धुना दी मुंह हेर दी हेर दी सता सा अधूरी है जप केरदा जप केरदा अधूरी है जप केरदा शक केरदा रे शक केरदा अधूरी है शक केरदा
लोगा लगा सुना के इंसान है थी और बस और बस गाइस भांग ले लो भांग इतनी सारी भांग फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस ये आपको उल्लू बना रहे हैं ये फ्री में नहीं हाँ 100 रुपए में देंगे वैसे मैं इसे लाना ही सारा कूड़ा गाइस तो मैं दीदी को ये बोलूंगा कि पूरे एक दिन मुझे वीडियो बनाने को ना बोले कैसा लगा मेरा मजाक एक पूरा दिन बताऊं आप बिना वीडियो बनाए बिना वीडियो बनाए मुझे मुझे मत बुलाना ना एक पूरा दिन मैं आपकी वीडियो नहीं बनाऊंगा और ना आपने मेरे को बोलना है बदले में क्या मिलेगा मेरे को अगर मैं जीत गई बदले में 100 रुपए दूंगा ना दूंगा ना तेरे मैंने बोला तो तब चले जा रहे तब आप मेरे को 100 रुपए देने पड़ेंगे अगर नहीं है नहीं दे दिए तो 100 रुपए तो क्या हेलो गाइस तो ये मेरी दीदी है ये अभी कुर्ता ऊपर गाय के मारे जा रहे हैं और आगे आगे हमारे बॉस चल रहे हैं आगे आगे हमारे बॉस चल रहे हैं ये हमारे बॉस है तो गाइस ये दीदी का किल्ता नीचे गिर गया है ऐसे मैंने ब्लॉग में और दीदी ने ढंग से टिकाया नहीं है इसको मुझे लगता है आप दराती लेना भूल गए हो ब्लॉग में बोलते ही ब्लॉग सुना तो गाइस ये दीदी मुझे मार रहे हैं दीदी गेम है जगह में जाओगे क्यों हम एक गेम है जंगल में जाओगे शेर बकर खिलाओगे डरोगे तो नहीं करिए ना मारा ना मैंने तेरे को रोका ना मैंने तेरे को एक भी फोटो बॉस ने ढंग का नहीं खींचा है मैंने बहुत सारी फोटो खींचा है ढंग के दीदी आपको तो बुला रही है ऐसे फोन को स्टेबल रखना पड़ता है ऐसे सब कुछ देखना पड़ता है कब कपड़े ठीक है शक्ल ठीक है बाल ठीक है हेलो एवरीवन तो मेरा चाट खाने का बहुत मन कर रहा था तो बना ली चने थे उबाल लिए टमाटर भी था प्याज भी था नींबू था तो चाट बना लिया अभी थोड़ी सी पार्क को दी थोड़ी सी बनाई है तो मैं खाती हूँ।